स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का पार्ट 9 विशेषण। आइए हम लेसन रीड करेंगे। विशेषण एडजेक्टिव, ओके। यहाँ पर कुछ एग्जांपल के थ्रू बताया गया है विशेषण क्या है। ऊंची दुकान, फीके पकवान, गरीब आदमी हुआ हैरान, मोटा सेठ लूटे जहान, नटखट चूहे करे परेशान। ये एक कहावत की तरह है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ऊंचे शब्द से दुकान की और फीके शब्द से पकवान की, और गरीब शब्द आदमी की, मोटा शब्द से सेठ की और नटखट शब्द से चूहों की विशेषता प्रकट हो रही है, है ना। तो यहाँ पर ये एक लाइन दी गई है, इनमें से हर शब्दों के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, है ना। तो ये इनकी क्या है, विशेषताएं बताई गई हैं इसमें। अब आ जाते हैं विशेषण की परिभाषा। विशेषण किसे कहते हैं? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष, अब विशेष क्या है? विशेषण शब्द द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरणों से विशेषण विशेष को निम्न प्रकार से दिखाया जा सकता है। विशेषण है यहाँ पर ऊंची, ऊंची क्या है? उसकी दुकान है। गरीब, गरीब कौन है? आदमी है। नटखट चूहे हैं, फीके पकवान, मोटा सेठ। तो ये जो विशेषण है, ऊंची, गरीब, नटखट, फीके पकवान और उसी की विशेष क्या है, ये दुकान मतलब उसकी विशेष बता रहे हैं, ठीक है। विशेष मतलब संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, है ना। अब आ जाएं विशेषण के भेद। विशेषण के 5 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, सेकेंड है संख्यावाचक विशेषण, थर्ड है परिणामवाचक विशेषण, फिफ्थ है व्यक्तिवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। आइए हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, आकार, रंग, स्वभाव, दशा आदि से संबंधित विशेषता प्रकट होती है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है ना कि गुणवाचक विशेषण क्या है? जिस संज्ञा या सर्वनाम के गुण हो, दोष हो, आकार या रंग या स्वभाव, दशा आदि से संबंधित कोई भी शब्द हो, उसे हम विशेषता प्रकट, उन शब्दों से विशेषता प्रकट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चतुर लोमड़ी चुपचाप खड़ी थी, रेखा हमेशा पीली साड़ी पहनती है। अब चतुर कौन है यहाँ पर? चतुर क्या है? ये विशेषण है और लोमड़ी उसकी विशेषता है, है ना। चुपचाप, चतुर लोमड़ी ये क्या है? विशेषण है और विशेष क्या है? वो चुपचाप खड़ी है ना। रेखा हमेशा पीली साड़ी पहनती है। रेखा क्या पहनती है? पीली साड़ी पहनती है। तो रेखा क्या है वहाँ पर? विशेष है और पीली साड़ी वहाँ पर उसकी विशेष बताया गया है। गुणवाचक विशेषणों के निम्नलिखित रूपों को ध्यान से पढ़ो। पहला है गुणसूचक। गुणसूचक क्या है? योग, ईमानदार, दयालु, अच्छा, बुद्धिमान, श्रेष्ठ, नेक आदि। दोष सूचक क्या है? दुष्ट, कायर, कपटी, अयोग आदि। स्थान सूचक क्या है? देसी, विदेशी और ग्रामीण, शहरी, भारतीय, बनारसी आदि, है ना। ये क्या है? स्थानीय सूचक। काल सूचक है? पुरातन, नवीन, प्राचीन, आधुनिक, चिरंतर आदि। काल मतलब कि समय के बारे में बताया गया है, कितने समय पुराना वाला। स्वाद सूचक, स्वाद से समझ में आ रहा है मीठा, खट्टा, फीका, नमकीन, तीखा, चटपटा, कसीला आदि। दशा, दशा सूचक मतलब क्या दशा है उसकी? स्वस्थ है, कमजोर है, पतला है, गाढ़ा है, गरीब है, दीन है आदि। आकार सूचक, आकार से भी स्पष्ट हो रहा है, नाटा, छोटा, बोना, गोला और
चौकोर, लंबा, चौड़ा आदि। रंग सूचक रंग से संबंधित है, काली, नीली, लाल, लाल, हरी, गुलाबी, सफ़ेद आदि। तो ये क्या थे? गुणसूचक विशेषण के कुछ और रूप थे, है ना। अब आ गए संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण क्या आता है? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा से संबंधित विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हैं, अनिकेत ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, मेज पर दो किताबें हैं, वहां अनेक लोग खड़े हैं, मेज पर कुछ कलमे हैं। दिए गए उदाहरणों में प्रथम, दो, अनेक, कुछ संख्यावाचक विशेषण हैं, इनमें प्रथम तथा दो से निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। तो हमने आज क्या पढ़ा? संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद, है ना। आज हमने दो भेद पढ़ा है। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण और सेकंड है संख्यावाचक विशेषण के बारे में। आगे हम कल रीड करेंगे। तो आपका होमवर्क है कि आप ये इसे आप दोबारा रिपीट करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।